हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वीरे यूटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, आज के वीडियो में हम वीरे लाइट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर लाइट जनरेटर, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें एक्सटीरियर के लिए और इंटीरियर के लिए यहाँ लाइटिंग वगैरह सेट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। तो इसमें फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने ये एक्सटीरियर के लिए यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज की। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको ये वेरिएंट दिखा रहा है, जनरेट 24 वेरिएंट्स। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ये इसके अलग अलग वेरिएंट्स क्रिएट करने लग जाएगा, जिसमें कि लाइटिंग का डिफरेंस होगा अलग अलग। तो जैसे ये सभी 24 जनरेट हो जाएंगे, इसके बाद इन सभी को हम सेव कर सकते हैं आगे किसी दूसरी फाइल में यूज़ करने के लिए, या इस फाइल में इसमें अलग अलग इसमें से जो भी हमें वेरिएंट यूज़ करना हो उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं। इनका डिफरेंस मैं अभी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हम इसको सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर मैं इसको 1 2 3 4 के नाम से सेव करता हूँ। ये लाइट सेट के नाम से सेव होगा। तो दोस्तों, ये वेरियंट मैंने सेव कर लिए हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए ये जो इसमें सनलाइट ज़्यादा है, अगर इसको मैं सेलेक्ट रखते हुए और रेंडर पर क्लिक करता हूँ, तो इसमें आप देखिए सनलाइट इस तरफ से आ रही है और ये हमारा रेंडर कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये हमारा एक वेरिएंट था। अब अगर इसको क्लोज करके अगेन हम वेरिएंट में जाकर इसमें कोई दूसरा वेरिएंट लेते हैं। मान लीजिए ये वाला वेरिएंट मैं सेलेक्ट रखता हूँ। इसके बाद जब मैं रेंडर करूँगा तो यहाँ इसमें वेरिएंट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग लाइटिंग के वेरियंट्स जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जिसमें कि आउटसाइड से लाइट कैसे आनी है, सनलाइट से या जो भी लाइट है एनवायरमेंट की वो कैसे आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें एनवायरमेंट के लिए लाइट जनरेटर का रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन शो रहा है, ये लाइट जनरेटर के लिए ही है। इसको हम डिलीट कर सकते हैं, या इसमें अगर मान लीजिए हमें लोड करना है, इसको मैंने रीसेट कर दिया, अब मुझे यहाँ लोड करना है, तो मैं लोड में जाकर डेस्कटॉप से ये फाइल लूँगा 1234.lightset और इसको ओपन करेंगे तो ये 24 वेरियंट्स यहाँ लोड हो जाएंगे। इनमें से हम जो भी वेरियंट लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस तरह से हम किसी दूसरी फाइल में भी ये चीज़ ओपन कर सकते हैं। क्लोज करते हैं इसको। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रेक्टेंगल लाइट का है। इससे नॉर्मल हम कोई भी रेक्टेंगल लाइट बना सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमारी वीरे की प्रॉपर्टीज़ लाइंस में जो शो हो रही हैं, इसमें वीरे यूटिलिटीज़ में से फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करने पर एनेबल सॉलिड विजेट, तो ये हमारी लाइट को सॉलिड प्लेन बना देता है। इसको हम क्लोज रखते हैं। तो इसमें आप जिस तरफ ये एरो शो हो रहा है, इस तरफ हम इसकी लाइटिंग का जो शेड पड़ेगा वो इधर रहेगा। हम इसको डबल साइडेड भी बना सकते हैं या इसको सिंगल साइडेड भी रख सकते हैं। इसको हम वीरे एसेट एडिटर में जाकर यहाँ हमें रेक्टेंगल लाइट का ऑप्शन जो मिल रहा है, इसमें हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ इसका लाइट का कलर और बाकी प्रॉपर्टीज़ हम मैनेज कर सकते हैं। इसको हमें इनविजिबल करना है या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, डबल साइडेड रखना है, अफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑन रखना है या नहीं, इसका जो भी कलर हमें चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें हम मैनेज कर पाएंगे पैनल लाइट की। और फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग के लिए। इसी तरह से दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्फीयर लाइट का है। तो इसमें हम स्फीयर क्रिएट कर सकते हैं। ये भी इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे किसी रूम में लाइटिंग नहीं आ रही या किसी एरिया में लाइटिंग नहीं आ रही, तो हम इसमें स्फीयर लाइट यूज़ कर सकते हैं और उसमें आर्टिफिशियल लाइटिंग दे सकते हैं। ये स्फीयर लाइट इस तरह से काम करेगी कि चारों तरफ की इससे रोशनी जाएगी। अब इसको भी अगर हम क्लिक करते हैं सॉलिड विजेट में, तो ये सॉलिड इस तरह से शो होने लग जाएगा। टर्न ऑफ करते हैं तो ये हमारा स्फीयर लाइट इस तरह से रहेगी। तो ये हमारा स्फीयर लाइट और पैनल लाइट सेम एक ही तरह से यूज़ होंगे। इसमें भी वीरे एसेट एडिटर में जाकर यहाँ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ ये सेंटर में शो हो रहा है। ऑप्शंस में जाकर अगर इसको मैं इनविजिबल कर देता हूँ, तो ये स्फीयर इनविजिबल हो जाएगा लेकिन कमरे में लाइट रहेगी। और इसको अगर मैं नो डिके इस पर क्लिक करता हूँ, तो लाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसको हटा देते हैं। इसके अलावा इफेक्ट रिफ्लेक्शन वगैरह हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल लाइट और स्फीयर लाइट इस तरह से काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों, स्पॉट लाइट की बात करें, तो स्पॉट लाइट में हम किसी भी जगह अगर कोई स्पॉट लाइट बनाना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आईएएस लाइट में भी इसी तरह से स्पॉट शो होता है, लेकिन आईएएस लाइट और इसमें डिफरेंस ये है, इसमें हमें किसी भी तरह की लाइट लोड नहीं करनी पड़ती। अगर मान लीजिए हमारी कोई एक वॉल है, ये हमारी एक वॉल है, मुझे इस पर इसको मैं ब्लॉक बना लेता हूँ पहले। इसको हम कोई एक कलर दे देते हैं, इस पर ये कलर दे दिया मैंने। अब दोस्तों, मुझे इस पर लाइट का इफेक्ट दिखाना है, लाइट की शेड दिखानी है। स्पॉट लाइट ली मैंने, या मैं एक स्पॉट लाइट प्लेस करता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, जिससे कि ये दीवार पर इसका शेडो पड़े। इसको थोड़ा दीवार के सामने ले आते हैं आगे की तरफ,
कुछ इस तरह से। अब अगर ये लाइट ऑन होगी तो इसका दीवार पर रिफ्लेक्शन शो होगा। तो इसमें अगर हम एनवायरनमेंट में जाकर और एनवायरनमेंट में इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, जिससे कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए, इससे हमारे एनवायरनमेंट में लाइट बिल्कुल टर्न ऑफ हो जाएगी। तो फिलहाल हम इसको एज इट इज़ रखते हैं और एक बार यहाँ रेंडर पर क्लिक करके देखते हैं अभी के लिए हमारा रेंडर कैसा आ रहा है। तो दोस्तों इसमें अभी के लिए रेंडर में अंधेरा हो गया है, लेकिन हमें स्पॉटलाइट शो नहीं हो रही। अब हमें स्पॉटलाइट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ मैनेज करनी पड़ेंगी। स्पॉटलाइट को सेलेक्ट करेंगे, वीरे एसेट एडिटर में जाकर स्पॉटलाइट में जस्ट आपको इसमें अगर कलर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। थोड़ा इसको हम येलो दे देते हैं, वॉर्म कलर दे देंगे। इसके अलावा यूनिट्स में यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे रेडिएंट पावर, इससे इसकी लाइटिंग बढ़ गई है। इसके अलावा बाकी चीज़ें अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। फिलहाल इसको हम एज इट इज़ अब दोबारा से रेंडर करके देखते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं ये लाइट हमें कुछ इस तरह से शो कर रही है। यहाँ इसका स्पॉट आने लग गया है। इसको जितना मैं रोटेट करूँगा नीचे की तरफ तो ये हमारा स्पॉट इस तरह से शो होगा। और इसी की प्रॉपर्टीज़ हम मैनेज यहाँ कर सकते हैं इस लाइट में। इसका हमें कोन एंगल कितना लेना है यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम इनवर्स क्यूब में दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, लीनियर में या इसमें क्यूबिक में। ये सब चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइट शो होगी। इसको अगर अब मैं रेंडर करता हूँ तो इसमें आप देखिए इसकी लाइट वगैरह शेड वगैरह चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप स्पॉटलाइट यूज़ कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हमारी IES लाइट की, जो कि हम नॉर्मल रेंडर्स में यूज़ करते ही हैं। IES लाइट हमें लोड करनी पड़ेगी, किसी भी एक IES लाइट को हम इसमें लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक IES लाइट यहाँ सेलेक्ट की, इसके बाद इसको भी हम प्लेस करेंगे। ये हमारी IES लाइट रहेगी, ये भी स्पॉटलाइट की तरह ही काम करेगी, पर इसमें हम IES लाइट हमारे अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमने डाउनलोड्स किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें जो भी इसका शेड होगा वॉल पर वो शो होगा। तो IES लाइट इस तरह से यूज़ होगी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ओमनी लाइट की। दोस्तों ओमनी लाइट लगभग स्फीयर की तरह ही होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये आता है, ये लाइट्स हम यूज़ करते हैं किसी तरह के साइड टेबल में या टेबल लैम्प में। इनमें ओमनी लाइट ज़्यादा बेटर यूज़ होती है बजाय कि स्फीयर लाइट के। स्फीयर लाइट हम आर्टिफिशियल लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं रूम में, पर अगर आप इसको ओमनी लाइट को यूज़ करेंगे किसी भी लाइट में या किसी साइड टेबल में या किसी वॉल लाइट में, वॉल लैम्प में, तो ओमनी लाइट ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगी। इसको भी हम वीरे एसेट एडिटर में जाकर और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्फीयर की प्रॉपर्टीज़ मैनेज की थी। तो ये ओमनी लाइट रहेगी। इसके बाद दोस्तों डोम लाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डोम लाइट जब हम प्लेस करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ प्लेस की, इसमें डोम लाइट में हम प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ देखिए, यहाँ ये डोम लाइट शो हो रही है। अगर दोस्तों इसमें मैं HDRI अप्लाई करता हूँ, दोस्तों अब इसमें बिना HDRI के डोम लाइट प्लेस करने पर अगर हम रेंडर करके देखते हैं तो हमारा रेंडर इसमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आया, कोई लाइटिंग वगैरह अभी शो नहीं हो रही है। हम इसको थोड़ा मैनेज करेंगे, उसके बाद हमारी डोम लाइट की भी प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी। तो डोम लाइट में हम यहाँ मैनेज करेंगे एक HDRI फाइल। इसके लिए जो भी HDRI फाइल आपने डाउनलोड कर रखी है, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं HDRI। यहाँ से हम एक HDRI लेते हैं। इसमें मैंने HDRI 3 को सेलेक्ट किया तो ये HDRI यहाँ पर शो होने लग गई। अब डोम लाइट में आएंगे तो इसमें डिफरेंस ये आएगा, यहाँ पर ये HDRI लोड हो गई है। अब इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ इंटेंसिटी 1 है, इसको अगर मैं 10 कर देता हूँ तो दोस्तों 10 करने पर यहाँ प्रीव्यू देखेंगे, इसमें काफ़ी सारी लाइट बढ़ गई है। इसके साथ ही हम इसको यहाँ हेमिस्फीयर को स्फीयर में क्लिक करेंगे, तो जिससे कि ये प्रॉपरली स्फीयर में शो होने लग जाएगा इस तरह से। अब इसमें लाइटिंग प्रॉपर शो हो रही है। अब इसमें सेटिंग में जाकर एनवायरनमेंट में हम इसको 1 रख सकते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा जैसे ही हम रेंडर पर क्लिक करेंगे। इसका सीन थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा हम इसको दूर से इस तरह से प्लेस करते हैं जैसे रेंडर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा रेंडर कुछ इस तरह से शो होने लग गया है। ये हमारी डोम लाइट की प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही शो हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आप डोम लाइट यूज़ कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस डोम लाइट को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए, अभी ये मैंने आपको जस्ट बताना था कि डोम लाइट आप किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से प्लेस करते हैं, जब हम इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे हमारी रेंडर सेटिंग्स में तो ये काफ़ी निकल करके आएगी, काफ़ी अच्छे से आएगी। इस चीज़ को हम अपने आने वाले वीडियोज़ में रेंडर सेटिंग्स जब करेंगे वीरे Next 5 में, तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे डोम लाइट को इस HDRI के साथ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कन्वर्ट टू मैश का है। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल लिया या कोई एक बॉक्स लिया, इसको सेलेक्ट ऑल करके जैसे ही ग्रुप करेंगे,
ग्रुप या कंपोनेंट करते ही ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट टू मैश पर क्लिक करेंगे तो ये लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैश लाइट में कन्वर्ट हो गया ये। इसको प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखेंगे तो यहाँ हमें मैश लाइट दिख रही है, ये मैश लाइट इस तरह से है। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर सकते हैं, इसको किस तरह से दिखाना चाहते हैं हम, किस तरह से नहीं दिखाना चाहते। इसके बाद जैसे ही हम रेंडर पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा ये बॉक्स हमें पड़ता हुआ शो होने लग जाएगा। ये देखिए, ये हमारा वो बॉक्स है और ये ग्लो कर रहा है। अभी एनवायरनमेंट हमने सेट नहीं किया इस वजह से ये वाइट शो हो रहा है, अदरवाइज़ ये ग्लो कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ग्रुप को हम मैश लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं लास्ट ऑप्शन से, कन्वर्ट टू मैश। दोस्तों ये हमारे ऑप्शंस थे वीरे लाइट्स के लिए, जो कि हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम वीरे फॉर स्केचअप के बेसिक टूल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक एक करते हुए हम डे लाइट व्यू, नाइट व्यू, 360 डिग्री, इंटीरियर और एक्सटीरियर सभी तरह के व्यूज इसमें बनाएंगे और उसके बाद एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।